हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज अभिषेक। आज हम सीखने वाले हैं गाइस ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑपरेटर ग्रामर देखने वाले हैं कि ये होता क्या है। देन आफ्टरवर्ड इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। इसका यूज़ गाइस हम करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, तो उसमें हमारा यूज़ होने वाला है। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं बताना चाहूँगा, ये हमारी कंपाइलर डिजाइन की प्लेलिस्ट चल रही है। ऑलमोस्ट 25 वीडियोज़ डल चुकी हैं, आप जरूर चेक करें, लिंक सभी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइस, क्रिप्टोग्राफी, कंप्यूटर ग्राफिक्स और बहुत सारी इंटरव्यू रिलेटेड सीरीज भी आपको मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों की। सो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। सो अ ग्रामर दैट इज यूज टू डिफाइन द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड दी ऑपरेटर ग्रामर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो गाइस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर भी हम इसको बोल सकते हैं। अब इसकी गाइस दो हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं या प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो, कि जब हम अपनी प्रोडक्शंस लिखते हैं तो राइट हैंड साइड जो होती है, दैट इज हमारी जो राइट हैंड साइड ये है, यहाँ पर हमारा गाइस कोई नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एप्सिलॉन प्रोडक्शन हम बोलते हैं, नल प्रोडक्शन बोल सकते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड हमारा कोई भी जो नॉन टर्मिनल होते हैं, मतलब जैसे हम लिखते हैं ना ये ई ए बी सी एंड सो ऑन, तो ये हमारे साइड बाय साइड नहीं आने चाहिए। सो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, द ग्रामर इज सेट टू बी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर इफ इट हैज़ टू प्रॉपर्टीज। वो क्या है, नो राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन हैज़ अ एप्सिलॉन। ठीक है, कोई भी एप्सिलॉन या नल हमारा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। एंड द सेकंड कंडीशन इज नो टू नॉन टर्मिनल्स आर एडजेसेंट ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कहने का, अब जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमें गिवन है ई डिराइव्स ई प्लस ई ई स्टार ई एंड आई डी। ठीक है, ये आपका एरो सिंबल होगा, ई डिराइव्स दिस। तो इसमें क्या हो रहा है गाइस, देखिए ये हमारी ऑपरेटर ग्रामर है। वाई इज इट सो, बिकॉज दोनों हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। पहली बात, ना ही हमारा यहाँ पे कोई एप्सिलॉन मूव है राइट हैंड साइड पे, और ना ही हमारे जो नॉन टर्मिनल्स हैं, नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं गाइस, अगर आप फॉलो कर रहे हैं सीरीज आपको पता होगा, नॉन टर्मिनल्स हमारे जो कैपिटल्स हमने लिखे हुए हैं, अगर जैसे कि यहाँ पे ई ई दो आ जाती है या फिर ई ए आ जाता है और ए को हम बाद में कहीं पर डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी ऑपरेटर ग्रामर नहीं होती, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती। राइट, तो ये दोनों केस यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, दैट्स वाई आपकी ऑपरेटर ग्रामर हो गई। एक और एग्जांपल मैंने लिया है दोस्तों, जैसे कि एस डिराइव्स एस ए एस स्लैश ए एंड ए डिराइव्स बी एस बी स्लैश बी। अब ये हमारी ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। वाई इज इट सो, क्योंकि गाइस हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी फेल हो रही है। अब गाइस, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है, दैट इज राइट हैंड साइड पे हमारा नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, वो तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। राइट, तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वाई, क्योंकि गाइस हमारा एस और ए जो है दोनों ही नॉन टर्मिनल है। राइट, तो नॉन टर्मिनल और नॉन टर्मिनल हमारे साइड बाय साइड आ गए, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल इन आवर ऑपरेटर ग्रामर। वही चीज़ लिखी है ना हमने, नो टू नॉन टर्मिनल्स कैन बी एडजस्टेड, दैट्स वाई आपका एस ए एक साथ आ रहा है या फिर ए एस आप कह सकते हो एक साथ आ रहा है, तो इसीलिए हमारी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। तो ये हमारी ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। अब हमको क्या करना है गाइस, अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमने एक ही जगह पे अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज, तो हमारी ये ग्रामर को देखते हैं कि क्या बनती है। ठीक है गाइस, अगर हम एक ही वैल्यू दैट इज बी एस बी और बी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। वेरी वेल कन्वर्टेड, तो हमारा ऐसे कुछ हो जाएगा। देखो, बी एस बी हमने एक ही जगह रिप्लेस कर दिया, तो हमारा आ गया एस देन बी एस बी। ठीक है, एस बी एस बी और फिर यहाँ पे एस था तो एस आ गया। सिमिलरली इस वाले बी को भी गाइस हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा बनेगा एस बी एस, तो एस बी एस आ गया, एंड ए हमारा था तो ए आ गया। अब आप देख सकते हैं गाइस, हमारी जो है ग्रामर ऑपरेटर ग्रामर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ना ही कोई एप्सिलॉन मूव है यहाँ पे, और ना ही हमारे जो नॉन टर्मिनल्स हैं साइड बाय साइड आ रहे हैं ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक टर्मिनल आ गया है, बी आ गया बीच में, यहाँ पे बी आ गया। अगर हमारा एस ए या एस एस एक साथ होता तो प्रॉब्लम होती, दैट्स वाई हमारी ऑपरेटर ग्रामर बन चुकी है। एंड गाइस, क्योंकि हम स्टार्ट सिंबल से ए पे अब नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमें अब ये वाली प्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस प्रोडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। ठीक है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, दैट्स इट। तो ये आपका सिनेरियो हो गया। नाउ गाइस, कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं या कुछ रिलेशंस देख लेते हैं, जो कि हम अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जब बनाएंगे तो हमें बहुत काम आने वाले हैं। अगर गाइस आपको कहीं पे ऐसा सिंबल मिलता है ए ग्रेटर देन बी वाला और यहाँ पे डॉट होगा, ठीक है, ग्रेटर देन के अंदर डॉट बी है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, दैट ए हैज द हायर प्रेसिडेंस देन द टर्मिनल बी, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए टेक्स प्रेसिडेंस ओवर बी। राइट, सिमिलरली ए इज लेस देन बी करके हमारा सिंबल होगा, डॉट हमारे यहाँ पे इसके बीच में आएगा। राइट, देन इट विल मीन दैट ए यील्ड्स प्रेसिडेंस टू बी, या फिर हम कह सकते हैं कि ए हैज़ लोअर प्रेसिडेंस दैन द टर्मिनल बी। राइट, और सिमिलरली आपका ए इक्वल्स बी अगर आपका होगा, तो सिंपली इट मीन्स दैट बोथ ऑफ देम हैज़ द सेम प्रेसिडेंस। ठीक है, सो आई सिंपली विल कंस्ट्रक्ट अ ऑपरेटर रिलेशन टेबल फॉर अ गिवन एम्बिग्यूस ग्रामर। राइट, अब हमारा जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है दोस्तों, तो वो हमारा जो है एम्बिग्यूस ग्रामर के लिए भी काम करता ही करता है। राइट, तो वो मैं आपको पहले भी वीडियोज में बता चुका हूँ, अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, प्रेसिडेंस में डी ई एन सी आएगा। ठीक है, जहाँ भी प्रेसिडेंस लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने डी ए एन सी लिखा हुआ है। राइट, यहाँ पे प्रेसिडेंस में डी ई एन सी आएगा हर जगह पे। राइट, यहाँ पे भी एवरीवेयर। सो बस दैट्स इट। ठीक है, प्रेसिडेंस कर लेना सही, डी ई एन सी ई होगा। तो यार दैट्स इट यार, ये सिंपल सा कंसेप्ट मैंने जानबूझ के अलग से लिया है वीडियो में ऑपरेटर ग्रामर का, बिकॉज जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं
ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर वो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होने वाला है। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आपको ऑपरेटर ग्रामर का कंसेप्ट बता दिया दोस्तों। अगर आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन लगाया तो लाइक करना जरूर वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को भाई के, और एक और मैंने चैनल आपके लिए बनाया गया उसमें इंग्लिश में स्टफ डाल रहा हूँ धीरे धीरे, तो यार सब्सक्राइब कर लो भाई को, वहाँ पे भी सपोर्ट करो। एंड यार दैट्स इट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।